Good morning students. Today we shall do an interesting topic of math and the name of the topic is addition. Beta, do you know what is the meaning of addition? Yes, I will explain you what is the meaning of addition. Beta, addition means when we add something together. जब भी हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर उसका आंसर लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन. जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जोड़कर उसका आंसर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एडिशन. तो बेटा, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस साइन. बेटा, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एडिशन. इसको हम प्लस भी बोलते हैं. एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ इक्वल टू. इसको हम हिंदी में बराबर का साइन भी बोलते हैं. क्लियर? बेटा, जब भी हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर उसका आंसर लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? हम एडिशन कर रहे हैं. तो बेटा, आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक एडिशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. क्लियर स्टूडेंट? सो लिसन इट वेरी केयरफुली. नाउ स्टूडेंट्स, लुक हियर. How many chalks are there? Yes, there are two chalks. Now, ma'am will keep one more chalk here. Clear? And there are two chalks. Ma'am will keep number two here. And there is one chalk. Ma'am will keep number one here. Clear? Now, beta, count all the chalks together. Ab hum ye sari chalks ko jodenge. Clear? So, start. One, two, थ्री. अभी मैम ने आपको मीनिंग बताया ना एडिशन का, कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ते हैं आपस में तो उसको क्या कहते हैं हम? एडिशन. यहाँ पर भी हम ये सारी चॉक्स को जोड़ रहे हैं ना, लाइक वन टू और प्लस के बाद यहाँ पर वन है एक और. तो स्पीक आउट, वन टू थ्री. तो सारी चॉक्स को हमने जोड़ के काउंट किया तो इसका मतलब क्या होता है? हम एडिशन कर रहे हैं. तो ऐसे ही बेटा हम टू प्लस वन करेंगे. तो यहाँ पर चॉक्स को जोड़ के कितना आंसर आया आपका? थ्री. तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री. क्लियर बेटा? नाउ मैम विल गिव वन मोर एग्जाम्पल. सो लुक इट वेरी केयरफुली बेटा. नाउ टेल मी हाउ मैनी शॉर्पनर्स आर देयर? वन टू थ्री. थ्री शॉर्पनर्स. सो मैम विल कीप नंबर थ्री हेयर. नाउ मैम विल कीप टू मोर शॉर्पनर्स हेयर. And so we will keep number 2 here. Now beta, add all sharpeners together. 1, 2, 3, 4, 5. So 3 plus 2 is equal to 5. We will keep number 5 here. Clear beta? Now ma'am will give one more example. Now students, count it. How many crayons are there? Four crayons. One, two, three, four. So ma'am will keep number four here. Now ma'am will keep two more crayons here and number two here. तो बेटा, सारे crayons को अब हम एक साथ जोड़कर count करेंगे. One, two, three, four, five, six. तो four plus two is equal to six. We will keep here number six. So dear students, I hope you all understood addition with the help of these examples. Now students, we will do addition sums in our math notebook. Firstly, you put up the heading like this and sums like this. Clear students? तो बेटा, जब भी हम addition के sums अपनी notebook में करते हैं तो हम mind और fingers का concept use करते हैं. Like पहला जो number होता है हमारा first number, उसको हम mind में रखते हैं और सेकेंड नंबर की हम फिंगर्स ओपन करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है? टू. तो स्पीक आउट एवरीबॉडी, टू कीप इन माइंड. जब भी आप माइंड बोलोगे तो आप अपनी ये वाली फिंगर जो है वो माइंड पे रखोगे. क्लियर? तो स्पीक आउट, टू कीप इन माइंड. नाउ रीड द नेक्स्ट नंबर. दिस इज नंबर जीरो. तो जीरो मीन्स हमारी कोई भी फिंगर ओपन नहीं होगी. क्लियर? क्योंकि जीरो नंबर है तो जीरो का मतलब तो नथिंग होता है ना, तो हम कोई भी फिंगर ओपन नहीं करेंगे. तो जब भी हम माइंड में जो नंबर रखते हैं एडिशन में, तो हम जो काउंटिंग है वो टू के बाद फिंगर्स पे काउंट करते हैं, जो फिंगर्स हमारी ओपन होती है. लेकिन यहाँ पर तो जीरो नंबर है तो कोई फिंगर ओपन नहीं है. तो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम टू. टू के बाद क्या आता है? लेकिन हमारी फिंगर तो कोई ओपन ही नहीं है तो हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे. तो आंसर क्या आ जाएगा? टू.
क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट सम, 5 + 1। तो बेटा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट नंबर हम कहाँ पे रखेंगे, माइंड में। तो स्पीक आउट एवरीबडी, 5 कीप इन माइंड एंड हाउ मेनी फिंगर्स ओपन, 1 finger ओपन। तो बेटा 5 के बाद काउंट करेंगे हम फिंगर्स पे, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में, 6, 5 after 6। तो 1 finger ओपन है तो 1 finger पे कौन सा नंबर आया, 6। सो वी विल राइट हियर 6, 6 इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट सम, 4 + 2। तो बेटा 4 कीप इन माइंड एंड 2 fingers ओपन, 2 fingers ओपन कर ली हमने। नाउ स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 4, 4 के बाद हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे। 4 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 5, 6। तो आंसर इज 6, राइट डाउन हियर 6। नाउ बेटा लुक एट द लास्ट सम, 9 + 1। तो बेटा कीप 9 इन योर माइंड, स्पीक आउट एवरीबडी, 9 कीप इन माइंड एंड 1 finger ओपन। तो बेटा स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9, 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद 10, यस स्पीक आउट, 9, 10, फिंगर पे 10 काउंट किया तो आंसर इज 10, राइट ऑन हियर नंबर 10। नाउ डियर स्टूडेंट्स डू दिस सम्स इन योर मैथ्स नोटबुक।